देखो बच्चों, अब हम आपको मात्रा बता रहे हैं बड़ी और छोटा उ। तो ये ध्यान रखो, बड़ी की मात्रा बाद में लगती है, बाद से शुरू होती है करके, और छोटे उ की मात्रा इस तरीके से लगती है, किधर को, इधर को जाती है बड़े उ की। अब सुनो ध्यान से, ऐसे लिखा है मा प्लस ई, इसका मतलब क्या है, इसकी मात्रा ये वाली इस पे चढ़ाओ, इसका मतलब ये है, इन दोनों का मतलब ये, किसके समझ में आया, इन दोनों का मतलब ये है, ये वाली मात्रा था पे चढ़ेगी। अब ये मात्रा वाले दो शब्द अक्षर आ गए हमारे पास, क्या आ गए, दो अक्षर मात्रा वाले आ गए, एक मी, जब माँ पे बड़ी की मात्रा चढ़ाई मी, ठा पे बड़ी की मात्रा चढ़ाई ठी। अब बच्चों क्या करेंगे, इनको जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद अभी तो अलग अलग पढ़ लिया, पहले क्या पढ़ा हमने मी, इसको पढ़ा ठी, दोनों को प्लस करके मतलब जोड़ दिया, तो एक नया शब्द बन गया जिसको पढ़ते हैं मीठी, इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब बताइए समझ में आया, दोबारा अपने समझ लो, माँ पे बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया मी, ठा पे बड़ी की मात्रा लगी ठी, जब दोनों को प्लस करके जोड़ा तो एक नया शब्द बना जिसे पढ़ेंगे मी ठी। दोनों गलत बोल के देखो, जोड़ो मी ठी, ये लिखा मी और ये लिखा ठी, दोनों जोड़ो मी, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, ये कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब लिखा ये सा, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है उ, क्या जुड़ा हुआ है उ, जब ये मात्रा इस पे चढ़ेगी तो पहले लिखो सा, लिख दिया, ये वाली मात्रा चढ़ा दो इसकी, ये वाली हल्के से बोलेंगे सु, इसके समझ आई, फिर इन दोनों को जोड़ो ना पे किसकी मात्रा लगाएंगे, डंडा ना, पहले अलग पढ़ दो अक्षरों को सु, और इसको ना, नया अक्षर बनेगा एक, सुना, क्या बना, देखो दोबारा तोड़ के देख लो, सु प्लस ना, सुना, इस तरीके से नए नए अक्षर बनाते हैं, मात्रा लगाते जाते हैं, और बच्चों को क्या होता है, हिंदी पढ़ना आ जाती है। थैंक यू वेरी मच।